हो गया ना, अभी क्या बोल रहा, खाने दो उसके बाद हमको एनर्जी आएगा, क्योंकि थोड़ा सा किया सिर्फ। थोड़ा सा किया, 1.5 घंटा धूप में कंटिन्यू खड़ा रह के धूप में डिहाइड्रेशन शरीर हो गया। देखिए चाकू दी है और इतना मोटा गर्दन दिखा, इतना बड़ा ना, और मेरा किलो। अंकल आंटी चलिए, अंकल आंटी देखते हैं पक्का है कि कच्चा है। और ये इतना बड़ा है ना, रखना पड़ता है ना। और देखिए इधर इतना ही मसाला से बनाएंगे, इसे ज्यादा नहीं। इधर अदरक है, ये सुबह सुबह फिर से परेशान हो गई है, पता नहीं क्या हो गया इसको, जस्ट सुबह हुआ ही है। और ये क्या हो गया रे, क्यों परेशान हो सुबह सुबह? देखो बेटा ना, फिर से इतना सारा कीड़ा लग गया ना, सब साफ कर। ओह माय गॉड, फिर से काटने लगा, देखिए पत्ता खाने लगा आदमी। क्या इन्हीं सब चीजों से समझ में आता है कि किसान का दर्द, कि किसान को कितना दिक्कत होता हो। सब लग जाता है, जहर मारते रहिए मारते रहिए, लेकिन तब भी कीड़ा लग ही जाता है। राधे राधे दोस्तों, प्रीजियर से ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दिव्यांग साहब से आपने वरदान है, कैसे आप लोग? उम्मीद करते आप सभी बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। और मैं जैसे इधर आती हूँ ना, सबसे पहले अपनी चीज़ों को देखती हूँ कि सही है कि नहीं है, यही सबको। अभी देखा, मैं कल ही से देख रही हूँ, अंडा था छोटा छोटा और उसमें से भी पिल्लू निकला। और देखिए सारा पत्ता फिर से धीरे धीरे साफ कर रहा है। तो मेरा तो अभी उधर डिपार्टमेंट है किचन में, तो इसी को देंगे थोड़ा, तो हम थोड़ा अपना, अरे क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, शौक पूरा कर ले रहे थोड़ा सा। भरो ना उसको, खोलो ना उसको, पूरा भरना होगा, इतना थोड़ी चलेगा। हाँ नहीं निकलने लगा, मारो मारो मारो, निकलेगा बहुत सारा है। लो जल्दी जल्दी करो मारे, आप नहीं वहाँ पे देखो ना, बाप रे वहाँ पे जहाँ जहाँ ज्यादा था तो सफेद पता है ना, उसी रास्ते से मारना, वहीं पे भी ज्यादा तरफ बढ़ा हुआ है। उतरो ना वहाँ, देखो ऊपर में पत्ता दिख रहा है, उसमें कैसे लगा हुआ। वहाँ पे मारे, वहाँ पे सब देखो, वहाँ पे मात्रा क्या मार लो, नहीं छूना। तो उसमें काफी सारा भर लिया है, हम तो कम भरे थे तो ये ज्यादा भरा, तो अभी जा रहा उधर से पहले शुरुआत करेगा। तुम क्या ऊपर चढ़ने जा रहे हो? हाँ उसे पहले तोड़ दो ना कोहरा, ठीक है जल्दी जल्दी करो। तब रसोई में हूँ, बाबू कुछ भी नहीं खा रहा, तबीयत खराब, खाना वाना नहीं खा रहा, तो मैगी चढ़ा दिए बेचारा, तब से मैगी मैगी कर रहा, कटोरी लेके सूखा हुआ चीज खा रहा है। और सगुन को इधर कुछ लाने बोले थे, नहीं मिला तो पूरा सामान ही उठा के ले आई। अच्छा नहीं लग रहा, कल अगर लड़े रहते ना उससे रास्ते में तो डॉक्टर से दिखा दिया रहता, जो हम नहीं लड़े ना, बस इसीलिए ढिला दिया, ऐसा ही होता है। इसीलिए मुझे ना लड़ना हर हाल में ही पड़ता है। देर कुछ नहीं खाया, कल भी नहीं खाया, थोड़ा सा भात खिलाए थे आलू के साथ। देखिए इस तरह से कंटिन्यू ये बच्चा कर रहा है, इसका मुंह देखिए। तब हम इसको डॉक्टर के पास ले जाने बोले थे, और ले देखिए किसको अच्छा लगेगा, देखिए इतना लापरवाह है ना वो आदमी। आप सभी को लगता है ना कि बहुत मैच्योर रहता ना, तुमको कितना काय काय चिचियाने का जरूरत कभी नहीं पड़ता। मैं झेलती हूँ मैं, और मैं जानती हूँ कि अगला आदमी कभी नहीं सुधर सकता, क्योंकि उसके रग रग में यही चीज है। और कुछ लोग जब उसके नाम का कमेंट कर देते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि पिंच कर रहे हैं, किसी के बारे में नहीं जानते हैं ना, तो वही जो दिखा रहा है उसी को सत्य मानिए, क्योंकि हर कोई झूठा नहीं होता है। तकलीफ बढ़ा देते हैं जब आप लोग मतलब जो पॉजिटिव कमेंट करते हैं उनके भी आप बात मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन कुछ है जो आ जाते बीच बीच में वकालत करने के लिए, मैं उनकी बात कर रही हूँ। मुझे सिखाते हैं पति की रेस्पेक्ट करो बोल के, अब बच्चा से भी बड़े कोई पति होता है क्या, हमको खाली ये बता दीजिए, होता होगा आप लोग उस टाइप के होंगे, इसीलिए हम, मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए पहले बच्चा है, उसके बाद कोई आदमी है, कोई भी। अगर मेरे बच्चा ही ठीक नहीं रहेगा तो बाकी आदमी मेरे पास रहे ना रहे वो कोई मतलब नहीं है। ये बच्चा 3 दिन साथ ऐसे कंटिन्यू खांस रहा है, कंटिन्यू हमको कैसा लग रहा है ना, तो हम ही जानते हैं, पूरा घर कबाड़ा बना हुआ है, बच्चा खेल नहीं रहा, रो रहा है, खिन 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 कर रहा है। देर है बेटा देर है, खा बेटा खा।
नोजी पोंछ दे। बार बार नाक साफ करते करते भी इसका नाक में दर्द हो गया क्योंकि बह ही रहा है, पूरा बह रहा है। तो अपना वाला क्या करता है ना, उसका वाला में मिला लेता है और फिर उसी पूरा ले लेता है। कुछ भी चीज पहले उसके वाले में डाल लेगा और उसका ही वाला ले लेगा। 9:30 बज गया और दूध वाले चाचा भी नहीं आए हैं। और शगुन आज बर्तन धोइए, शुरू रख दो बर्तन एक बार, पापा अच्छे से खंगाल देंगे। अच्छे से खंगाल दिए, नाक बह रहा है और कह रही अच्छे से खंगाल दिए। बताइए बर्तन धो रही थी। सुनो ना, तुम ही से कह रहे रेस्ट क्यों हो गया, तो तोड़ो ना वहाँ, फिर खाना हम नहीं बनाएंगे बता रहे हैं। बाबू के साथ हो गया एक समस्या, दो दिन से खाना नहीं खाया, अभी इसको पोटी लगा है जोर से, मगर पोटी हो नहीं पा रहा, कब्ज हो जाता है। अब बहुत परेशान है बेचारा, इधर उधर बैठने का कोशिश कर रहा, हो नहीं रहा है। एक परेशानी नहीं आता है ना, उसके साथ बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाता है। हो गया ना, अभी क्या बोल रहा, खाने दो उसके बाद हमको एनर्जी आएगा, क्योंकि थोड़ा सा किया सिर्फ, थोड़ा सा किया, 1.5 घंटा धूप में कंटिन्यू खड़ा रह के धूप में डिहाइड्रेशन शरीर हो गया। देखिए चाकू दी है और इतना मोटा गर्दन दिखा, चाकू से कटेगा इतना मेरे से ज्यादा हो जाएगा, तो क्या बोलते हैं, मेरे से ज्यादा मोटा तुम्हारा है गर्दन, पकड़िएगा ना, इसे पकड़ाता नहीं है, मन करता है इसे पट्ट से कर दो, पट्ट से वो तो सबको दिख रहा है। ये देखिए ऐसा देखो, ऐसा देखो, कभी हार ला दो तब पता चलेगा कि मोटा गर्दन। तेरे फोड़ा दिखाएंगे और फटाफट एकदम। तो आप लोग को अब दिखाते हैं इसकी मेहनत का फल। और फल का जो है वो फल का नाम है कोहड़ा, एक तरह का सब्जी। और ये बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा लगभग 5 kg का हो चुका है। तो ये पहले ऊपर था जब छोटा था, तो जैसे जैसे ये वजन बढ़ रहा है, इसका वेट भारी हो रहा है, वैसे वैसे ये नीचे आ रहा है। आप लोग हाँ, अब इसको काटेंगे और इसके हम लोग पेट में रखे, सब तो हम लोग खुद नहीं खा पाएंगे, कुछ कुछ पड़ोस पड़ोस में भी दे देंगे। तो ये इसकी मेहनत का फल है। और भी कुछ कुछ फल हैं जो बाद में आप लोग को दिखाएंगे। तो चलते हैं अब इसको टॉय टॉय करने। कैसे काटे, पकड़ के काटेंगे तो गिर जाएगा ना। मगुन आ जा मगुन, और शगुन को शौक क्या ना, बर्तन धोने का शौक चढ़ा है। देखिए अंकल आंटी कट गया, तुम 4 kg तो होगा। हाँ झूठ बोलता है, क्या देखो ना उठा के, 4 kg रहेगा, भारी हाथ से उठता भी नहीं। 4 kg तो नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा 2 kg है और ये 2 kg फेंका है। और इससे आपको इस अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना फेंकता होगा, 2 kg इसका फड़ाने का फेंकने का कैपेसिटी है। नहीं 2 kg से ज्यादा, नहीं 2 kg है। देखिए शगुन दूध का बर्तन भी बिल्कुल अच्छे से धो दी है। देखिए हमको लग रहा था नहीं धो, सुनो धो लिया अच्छे से, अब रोज यही बर्तन धोएगी। हाँ हाँ चाचा धो ली सारा बर्तन। बस शगुन अब तुम पढ़ो लिखो मत, यही सब काम करो, क्योंकि पढ़ने में तो तुम पढ़ाई के मामले में ना बहुत परेशान करती है, लेकिन कुछ काम बोलिएगा ना तो बहुत जल्दी करती है। नहीं चाचा बेटी है तो ससुराल जाके तो काम करेगी ही ना, तो कम से कम पढ़ाई तो कर ले, सीखी हुई है लेकिन ज्यादा जरूरी पढ़ाई है। पढ़ाई तो करती है, कहाँ करती है, इतना प्यार से पढ़ाई नहीं करती है, दिल्ली स्कूल जाती, दिल्ली स्कूल से आती है। उसे क्या हो गया, तुम तो कहो गई क्योंकि बेटी काम करेगी तो तुमको ब्याह करने में आसानी होगा ना। बाबू जैसे उठा लिए, कितना सुंदर है ना शगुन, हम लोग का एक ही कोहड़ा फला है, ये फर्स्ट और लास्ट है, क्योंकि सिर्फ फूल हो रहा है और होगा नहीं। नानी को दिखा दो अच्छे से, नानी खुश हो जाएगी। नानी आपका मेहनत किया हुआ है, आप ही तो इसको उगाने में हम लोग का हेल्प किए थे। हाँ मैगी मैगी खा रहा है, मैगी खाते खाते भी सरक रहा है, पानी नहीं मिलेगा, घर में पानी नहीं है, डब्बा डब्बा खाली है पूरा, बिना पानी रहे कोई याद कर रहा है। तुमको कौन याद करता है, इसकी मम्मी। नहीं वो याद करती तो तुम लोग, गंदा पानी हम लोग पीते हैं ना, पियो तुम भी। अम्मा, अंकल आंटी, बाबू खा रहा था तो इसमें टमाटर डाला। कोहड़ा ले लो बेचो, कोहड़ा ले लो 1/2 किलो, 4 किलो, 2 किलो। कैसे किलो है, 2 किलो। अरे कैसे, रुपया कैसे,
50 रुपया का। हाँ। अब दोगी उसको, खेलोगी तो सब्जी बनाएंगे। रखो उधर, इसको अब कट करते हैं। चले हैप्पी बर्थडे, सामने आओ, क्या निकलता है इसमें से, इतना बड़ा है ना। और मेरा चिलो अंकल आंटी देख, चलिए अंकल आंटी देखते हैं पक्का है कि कच्चा है। और ये इतना बड़ा है ना, शायद पक्का ही होगा। बाप रे बाप, ये 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 लिखा पीला वाला भाग। बाप रे बाप, पक्का पक्का हुआ। आओ मेरे पाजी, मेरे साथ कर लो बल्ले बल्ले। तो सब कुछ तैयार है, तेल गर्म हो गया है, गैस साफ कर ली है। और गैस आप लोग की वजह से हमको साफ करना पड़ता है क्योंकि ख्याल रखना पड़ता है ना। और देखिए इधर इतना ही मसाला से बनाएंगे, इसे ज़्यादा नहीं। इधर अदरक है, ये क्या बोलते उसको, सरसों है, लहसुन का कली है, मिर्च है और जीरा है। सबसे पहले इसमें ये डालेंगे, ये वाला डालते हुए नहीं दिखा पाते हैं क्योंकि आप लोग को पता है ना मेरा कैमरामैन नहीं है, सब कोई भाग गया टीवी देखने, वो सो रहा है, बच्चा का बीमारी है, तबीयत खराब है। अब ये गया अदरक, ये गया लहसुन, और सबसे आखिरी में जाएगा मिर्च। सब लोग चला गया है लेकिन ये बच्चा मेरे ही पास सोता है, इसको यहीं पे सुकून है। पूर्व में पंखा चल रहा है, इसको पंखा के नीचे सोना होता है, मगर मेरे पास है। और इधर ये सब हो गया है, चलिए डालते हैं अपना कोहड़ा। कोहड़ा जो इधर काट करके रखे हैं धो करके, मैंने भी एक्साइटमेंट में ज़्यादा कोहड़ा काट लिया और सब बना दिया, तो देखिए सारा कढ़ाई से बाहर आ गया पूरा। इतना ज़्यादा हो गया ना ओवर कि इसको चलाने नहीं बन रहा है, इसीलिए क्या करेंगे इसको ढक के छोड़ देंगे। जब थोड़ा कम होगा ये बिल्कुल हो चुका है, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो अब इसमें हल्दी ऐड कर दे रहे हैं, देखिए कितना अच्छा सारा गल गया, बिल्कुल फ्रेश था एकदम तोड़ के। अब इसको थोड़ी देर पकाएंगे। मैं ढूंढ रही हूँ चिकन मसाला, मेरा ख़त्म हो गया नहीं है, ये रहता तो थोड़ा सा स्वाद आ जाता। खाना खाने बैठे हैं, इधर देखिए चावल है, इधर ऑमलेट बना लिए हैं, इधर कोहड़ा का सब्जी है, कोहड़ा खा लिया, बताओ कैसा है। ये अच्छा ही बोलेगा डर से, वो तो शायद फिर से छीन लेगी। तो इधर दाल, इधर दही है, बाबू बुलाओ, बाबू खाएगा बाद में, हम लोग खा लेंगे तब। कोहड़ा कैसा बना है, अच्छा बना, हम भी खा के देखते हैं। अच्छा तो है, नमक और कोहड़ा काफ़ी लाजवाब था। मैं बाज़ार से कोहड़ा मंगा के कभी नहीं खाती हूँ। कुछ ग्रीन सब्जी है जो मुझे पसंद नहीं, जैसे कि हो गया नेनुआ, झींगी, कद्दू, कोहड़ा, और भी बहुत कुछ है, वो मेरी मम्मी बता देगी क्योंकि मेरी मम्मी को मेरे लिए सब्जी चूज़ करने में बहुत परेशानी होता है। वो पूछेगी ना क्या खाई, नहीं कौन सी खाई भी, कौन सी लाई वो बाज़ार से, और हम बोलेंगे हम पता नहीं जे दिख तो, अरे तो तोरा लाइबो फिर तू खेबे ना, कद्दू खेबे ना, कोहड़ा खेबे ना, झींगी खेबे ना। तो इसीलिए बहुत चूजबल है, लेकिन अब तो खैर सब कुछ खा लेते क्योंकि ऑप्शन नहीं रहता आदमी के पास, तो जो मिले सो ही खा लेना चाहिए। और ये हमारा पहला और आखिरी कोहड़ा था, इससे पहले कोहड़ा फैला नहीं था और इसके बाद भी कोहड़ा फैलेगा नहीं क्योंकि फूल तो आ रहा है, उसमें लगता भी है और झड़ भी जाता है। तो कुल मिला के भगवान देखे ना कि मेहनत मैं बहुत कर रही हूँ हर एक चीज़ में। इधर आप लोग को उतना नहीं दिखा पाती हूँ कि मैं इसके प्रति कितना ये हूँ, बहुत बहुत लगी रहती हूँ हर समय, अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। ऊपर वाले सब जानते हैं, कहते हैं ना मन की बात भी जानते हैं, जो नहीं दिखाइएगा वो भी देख लेते हैं। तो इसीलिए भगवान एक फल मुझे दिए कि चलो तुम निराश मत होना बच्चा, और भगवान मेरा दिल हमेशा रखते हैं। मैं इस चीज़ के लिए तो भगवान को हमेशा थैंक यू करती हूँ, रोती हूँ, बुरा लगता है कभी कभी, लेकिन फिर समझाती हूँ नहीं भगवान ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे नहीं दिए हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ दिए हैं, पैर भी दिए हैं, हाँ हालांकि कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन दिए तो ज़रूर, तो वैसे ही सब कुछ दिए हैं। तो चलिए ये था कोहड़ा का रेसिपी, अगर आप लोग किसी और तरीके से कुछ और ऐड करते होंगे तो बताइएगा, तो हम नेक्स्ट टाइम ज़रूर ट्राई करेंगे मार्केट वाला ला करके। और चलिए मिलते हैं आप सभी से, बाय।